हेलो लर्नर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इंटेंट लर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दो एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सी सेड टू मी व्हाई आर यू सो सैड टुडे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सी सेड टू मी है, तो सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। सी आस्क्ड मी, अब यहाँ पे आया है कॉमा। कॉमा के स्थान पर हमने बताया था कि यहाँ पे लगाया जाता है कंजक्शन। तो कंजक्शन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है तो वहाँ पे इफ लगता है, लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे वही वर्ड आ जाता है कंजक्शन के रूप में। सी आस्क्ड मी वाई, अब देखिए यू आया है तो यू, यहाँ पे वाई के बाद सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट है यू। यहाँ पे यू चेंज होगा मी के अनुसार तो ये हो जाएगा आई, वाई आई। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई आई वॉज सो सैड टुडे को कर देंगे दैट डे में। तो इस तरह से आपको डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ही सेड टू रमेश व्हाई डू यू स्टॉप हेयर। तो इसको बनाएंगे ही आस्क्ड रमेश, ही आस्क्ड रमेश, अब यहाँ पे आया कॉमा तो कंजक्शन वाई यूज कर लेंगे। अब इसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, रमेश के अनुसार चेंज होके हो जाएगा ही स्मॉल लेटर ही, वाई ही डू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। वाई डू यू स्टॉप हेयर तो यहाँ पे हो जाएगा वाई ही डिड स्टॉप देयर, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं वाई ही स्टॉप्ड देयर। तो इसको ऐसे भी कर लीजिए वाई ही स्टॉप्ड देयर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज आई सेड टू देम वेयर इज माई वॉच। तो इसको करेंगे आई आस्क्ड देम वेयर माई, ये आई के अनुसार चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा वेयर माई वॉच। वेयर माई वॉच वॉज, सो यहाँ पे हमने इसको बनाया आई आस्क देम वेयर माई वॉच वॉज। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए द बॉयज सेड टू द सुधीर वाई विल यू नॉट प्ले विद अस टुडे। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। द बॉयज आस्क्ड को सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। द बॉयज आस्क्ड सुधीर, फिर कंजक्शन वाई यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तो सुधीर का ऑब्जेक्टिव केस हो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, वाई ही विल विल वुड में चेंज हो जाएगा वाई विल वाई ही वुड नॉट प्ले प्ले विद देम प्ले विद देम टुडे को कर देंगे दैट डे में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इज यू सेड टू हिम व्हाई यू सेड टू हिम हु हिट यू ऑन द रोड। तो ये हो जाएगा यू आस्क्ड हिम, यहाँ पे हु लगा देंगे क्योंकि कंजक्शन लगाना होता है हु, अब यू सब्जेक्ट आएगा हिम के अनुसार चेंज होके हु, एक मिनट ये हु वाला जो है ये दूसरे तरीके से बनता है तो रुक जाइए इसको देखते हैं अभी। तो यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं यू आस्क्ड हिम हु है हु हिट है तो हिटन हु हिटन हिम ऑन द रोड। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।
सिक्स क्वेश्चन इज दे क्राइड हु आर यू एंड वॉट डू यू वॉन्ट. तो इसको बनाएंगे दे क्राइड हु ही वॉज एंड वॉट ही वॉन्टेड एंड वॉट ही वॉन्टेड. सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन इज मोहन सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे. तो इसको चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट में. मोहन आस्क्ड मी why I had not gone the previous day. Yesterday को चेंज कर लेंगे the previous day. क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर एट इज my father said to me where do you like to go in summer vacation. तो ये इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे. माई फादर सेड टू को आस्क्ड में कर लेंगे. माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई लाइक्ड टू गो यहाँ पे डिड भी लगा सकते हैं. where I did like to go in summer vacations. समर वेकेशन. क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन इज द टीचर सेड टू रंजीत व्हाई डू यू वांट टू गो होम अर्लियर. तो द टीचर सेड टू रंजीत है तो द टीचर आस्क्ड रंजीत फिर उसके बाद वाई लगाएंगे यहाँ पे कंजक्शन वाई ही वांटेड टू गो होम अर्लियर. क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन इज ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स डिड यू सिक्योर इन हिस्ट्री. तो ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स आई हैड सिक्योर इन हिस्ट्री. तो अब चले क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज ही सेड हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट. तो ही आस्क्ड हाउ मच दिस बुक कॉस्टेड. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज ही सेड टू मी व्हाई शुड आई हेल्प यू. ही आस्क्ड मी why he should help me. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज आर यू एंग्री माई फ्रेंड्स सेड द किंग. तो इसको बनाएंगे द किंग आस्क्ड हिज फ्रेंड्स इफ देवर एंग्री. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस बॉय सेड द सोल्जर. तो द सोल्जर द सोल्जर आस्क्ड व्हाट ही वॉज गोइंग टू डू विद दैट बॉय. क्वेश्चन नंबर 15 इज डिड यू टेक दिस मेडिसिन बॉय आस्क द डॉक्टर. तो द डॉक्टर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड टेकन दैट मेडिसिन. चलिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज ही आस्क्ड व्हाई आर यू ऑल सिटिंग हेयर डूइंग नथिंग. ही आस्क्ड व्हाई दे ऑल वर सिटिंग देयर डूइंग नथिंग. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 इज अशोक सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट. अशोक आस्क्ड मी why I had done it. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज सविता सेड टू हरी इज इट नॉट अ सरप्राइज टू सी यू हेयर टुडे. तो इसको बनाएंगे सविता आस्क्ड हरी इफ इट वॉज नॉट अ सरप्राइज टू सी हिम देयर. टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. तो इसको कैसे चेंज करेंगे द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई डिड लिव. या तो इसको कह सकते हैं वेयर आई लिव्ड. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 इज हैवंट यू फिनिश्ड द वर्क येट सेड द मास्टर. तो इसको डायरेक्ट में चेंज कर देंगे द मास्टर आस्क्ड इफ ही हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क येट. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 इज वुडेंट यू हैव योर लंच विद अस राजू सेड अली. तो अली आस्क्ड राजू इफ ही वुड नॉट इफ ही वुड नॉट हैव हिज लंच विद देम. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज ही सेड टू मी व्हाई आर यू स्पीक टू मी लाइक दिस. तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज
वाई आई वॉज स्पीक टू हिम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 इज अलादीन सेड टू द मैजिशियन व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व टू सेवर अबलो अलादीन आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सो सीवर आ ब्लो एज इट इज आपको वही नोट कर देना है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 इज द ट्रेवलर सेड वाई विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू द स्टेशन तो ये हो जाएगा द ट्रेवलर आस्क्ड which was the shortest way to the station question number 25 देखते हैं question number 25th is who are you sir and what do you want they cried इसको बनाएंगे they cried they cried sir who he was and what he wanted तो इस तरह से हमने आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 25 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज डिस्कस की है तो आगे की एक्सरसाइजेस हम कल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू